अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ाइक बिन अनसब है और आप सब ये सोच रहे होंगे कि आज मैं किस तरह उठाऊँ। तो दरअसल आज मैं इस तरह उठाऊँ कि मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान और घर मैंने किसी को नहीं बताया, टिकट ले ली हुई है तो घर जाके सरप्राइज़ देने का प्रोग्राम है, बट ये नहीं पता था कि यार पाकिस्तान वालों ने भी मुझे सरप्राइज़ देने का प्रोग्राम रखा हुआ है। मैंने सामान उठाया और मैंने कहा यार चलो घर। एयरपोर्ट पहुंचे तो आगे से कहते हैं भाई चलो घर। मैं कहा सही खेल गए। तो जी 21 मार्च से आज 21 जून हो गई है, हम कहीं नहीं गए, हम इधर ही हैं, हम इधर ही फंसे हुए हैं। कोरोना के केसेस इधर इंक्रीज हो के पीक पे पहुंच गए, डिक्रीज हो के अब दोबारा इंक्रीज हो रहे हैं, हम इधर ही फंसे हुए हैं जी। अब अल्लाह अल्लाह करके जी कल एक फ्लाइट आई है, आएगी इंशाल्लाह, उस पर फिर अब बैठ के घर जाएंगे। मेरा ज़िंदगी में हमेशा एक था कि यार कुछ ना डेयरिंग करना, ये मैं देखा था दो चार दफ़ा वकार दखा खुश, मैंने कहा यार ये लोग क्या सांप मुंह में डाल लिया, उसको चुम्मी कर दी, मिर्चें खा ली, एक लिए मैंने कहा यार नहीं कुछ ना इनसे नेक्स्ट लेवल चीज़, कुछ नेक्स्ट लेवल के बाहर बंदा के यार ये सही डेयरिंग काम है। मैंने सोचा यार फिर अब फिर आइए पे घर चलते हैं, अब नेक्स्ट लेवल पर भाई फिर ही पहुँच सकते हो आप। तो खैर अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ जाए कि मैंने वो मुकाम अचीव कर लिया है, अगर तो नहीं देखेंगे आप लोग ये वीडियो तो सर दुआओं में याद रखिएगा, पहले से ही रखिएगा कि बस ये डेयरिंग में फिर रिस्क तो होता है कॉन्सिक्वेंसेस का, तो बस वो रिस्क लेके अब हम कल इंशाल्लाह बैठेंगे। तो जी फाइनली वो दिन आ गया है जब हम घर जा रहे हैं और बस अभी हम 5-10 मिनट में एयरपोर्ट के लिए निकलने लगे हैं, तो चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ और आपको साथ पीआईए के आप बताते हैं कि कैसी सर्विस होंगी, आपको फुल अपडेट रखें। पीआईए कैबिन क्रू के मुताबिक डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर सोशल डिस्टेंसिंग होती है क्योंकि इंटरनेशनली कोरोना भी पीआईए पर सफ़र करना पसंद नहीं करता, तो इसी वजह से जी पूरा जहाज़ भरा है और कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही। फाइनली हम लोग फ्लाइट के अंदर हैं और नेक्स्ट लेवल सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, ये हम साथ बैठे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग आप देख रहे हैं, साथ बैठे हैं सारे माशाल्लाह से सही साथ बैठे हैं, फुल ऑन सोशल डिस्टेंसिंग है। और नेक्स्ट लेवल ट्रिवो है अपना, क्या कहते हैं उसको, सर्विस है। 10 बजे की फ्लाइट, 11 बजे की फ़्लाइट थी, 11 बज गए हैं, हम इधर ही हैं। बोइंग 777 है लेकिन एसी नहीं चल रहा, कम से कम 20 मिनट हो गए मुझे, ये भाई को साथ हैं, ये देखिए हंसे जा रही है लड़कियों की तरह मूछ पा के, जो क्या गाड़ियाँ दे रहा है अल्लाह अल्लाह वाला को, ऐसे लोगों के कपड़ों में बिच्छू पड़ेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, आप तौबा कर लें, बिल्कुल तौबा कर लें। लेकिन वो भाई को उसने पसीना आया हुआ तो गलती उनकी भी नहीं खराब हुआ सर, ये सारा आप देख सकते हैं कि भाई जी सोशल डिस्टेंसिंग 100 × 100 ठीक है। और वो हवा आपको फैन की आ रही होगी, हवा हमें नहीं आ रही, आवाज़ आ रही है, जैसे जैसे चलते हैं आपको आगे ना इनकी बताते हैं। और एक और बात, इंशाल्लाह अल्लाह करे ये आप वीडियो देख रहे हो, अगर तो आप ये नहीं देख रहे तो एक और मैं आपको डार्क सीक्रेट बताने लगा हूँ, फ्लाइट से ना 15 मिनट पहले, 11 बजे की फ़्लाइट थी सॉरी, बोर्डिंग से 15 मिनट पहले 10:35 पे कैप्टन साहब आए हैं बोर्डिंग काउंटर पे और उन्होंने कहा जी ग्राउंड इंजीनियर भेज दें, लाइट का मसला हो गया। मैंने असल में ना उसी टाइम बोर्डिंग कटवाया था, मैंने उसको बोला यार गुरु से वापस जोड़ दे, मैं फिर कभी आ जाऊँगा, छोड़ने का सर व्हाट इज़ डन कैन नॉट बी अनडन, आज तक उसी पढ़िया भाई ने, अभी मैं भी पढ़ूंगा, आप दुआ करिएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आप दुआ करिएगा, अगर तो आप ये देख रहे हो है ना पहुँच गए हैं इंशाल्लाह, वरना दुआओं में याद रखिए, कंटिन्यू रखते हैं, ओके जी ओके, नेक्स्ट 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 ही स्क्रीन लगी हुई है, चलना ना चलना सेपरेट इशू है। हाँ जी नज़र आपकी अगर पूरी नहीं है तो सेज करके आओ, वहाँ से देखो ये सर अभी खाना पूरी की भी है, खाना पूरी की भी है, बैटरी लो हो जाए घर जाके चार्ज करना, खाना पूरी है सर तो कुछ नहीं चलता भाई, सबके बात देखते हैं जिसकी किस्मत है ना वो देखो, इस बंदे की किस्मत है इसके चार्ज क्योंकि नहीं चार्ज खाना पूरी जी ना सही तो पाँच इनको आपको पी आई ए की ऑनेस्ट रिव्यू देंगे कि हमें कैसी सर्विस उन्होंने प्रोवाइड की है। तो माशाल्लाह से जी बीट्स के हेडफोन मिले हैं ताकि हम ये मल्टीमीडिया स्क्रीन पे नेक्स्ट लेवल ऑडियो और वीडियोस वगैरह सुन सकें, गाने सुन सकें क्लैरिटी के साथ, माशाल्लाह ये हमें आज मिली है साथ इधर कैसे।
ऐसी किसी और ये एयरलाइन में नहीं होगा कि आपको ये सीक्रेट कंपार्टमेंट भी दे देंगे, सीक्रेट कंपार्टमेंट भी आपको मिल जाए। साथ इस एयरलाइन की एक और बड़ी बेहतरीन जो चीज़ है वो ये है कि आपने कि ये दिन में आपको खाने में खाते हैं, ये इनकी बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी जैसे जैसे हमें और मालूम मिलेगी आप बताएँगे। माशाल्लाह से लैंड कर गए और आप सबको एक और चीज़ कहेंगे एयरलाइन की कि बिजली भी चाहें बाहर वाली रोशनी इस्तेमाल कर, लाइटिंग भी जाएँ, पाकिस्तान में पहली कमी है लाइटिंग, लोड शेडिंग, बिजली भी चाहें सर जहाँ भी जा सकते हैं बिछाएँ। फिर अगर आप थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो आपकी बारी आ जाएगी, इतनी जल्दी नहीं है कुर्सियों से उठ के आप जाकर दरवाजे नहीं खोलने एयरपोर्ट पर, आसान बनो सारे यार। अस्सलाम वालेकुम, तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग लैंड कर गए हैं। सबसे पहले ये हाइजीन स्प्रे लें और ये सारे आप लोग बैग वगैरह पे और ये डिओड्रेंट की तरह बिल्कुल जैसे परफ्यूम यूज़ करते हैं आप घर में अन्य वहाँ वैसे ही आप स्प्रे करें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इन पे भरोसे पे नहीं रहना, पूरा स्प्रे खुद करें और एहतियात करें। चलते हैं चला। अस्सलाम वालेकुम, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी अब हम पाकिस्तान पहुंच गए हुए हैं जैसे आपने देखा है। लेकिन आप सोच रहे होंगे यार मैं किधर आया हूँ, तो यहाँ पे जैसे ही मैं आया हूँ ना बर्गर की बड़ी खुशबू आ रही है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि मैं कौन से शहर में हूँ और आपने इस्लामाबाद को क्यों लिखा है नीचे। खैर बड़ा प्यारा मौसम हुआ हुआ इधर, हवा वगैरह चल रही है, बादल शादल आए हुए हैं और मोस्ट प्रोबेबली बारिश भी हो सकती है। तो खैर अभी इंशाल्लाह इंजॉय करते हैं मौसम को क्योंकि सुबह बड़ी गर्मी थी। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से खैर खैरी से पहुंच गए हैं। अब पाकिस्तान आ गए तो ज़रा अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाते हैं, तो लाइक करिएगा वीडियो अगर व्लॉग पसंद आया और आपको हमारा वो PIA का रिव्यू अच्छा लगा थोड़ा बहुत, और सब्सक्राइब करना ना भूलना यार, सही इस्तेमाल करें करें YouTube चैनल का, सही इस्तेमाल किया करें, सब्सक्राइब किया करें। ओके okay.